देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। तीन मंजिला इमारत के मलबे से निकाला गया अंतिम शख्स। बता दें कि सट्टी बाजार कस्बा फतेहपुर में बीती सोमवार की रात तीन मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें 15 सदस्य दबे हुए थे। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के द्वारा 12 घायलों को तत्काल निकाल कर अस्पताल भेजा गया था, जिसमें 2 मृत घोषित किया गया था। अन्य 8 लोगों को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। सोमवार की दोपहर में एक और युवक को रेस्क्यू किया गया, जिसमें अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। देर रात मलबे में फंसे अंतिम युवक को निकाला गया, किंतु उसकी भी जिंदगी हार चुकी थी। हादसे में अभी तक मृतकों की संख्या 4 हो चुकी है, जिसमें हकीमुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन, रोशनी पुत्री मोहम्मद हाशिम, दानिश पुत्र मोहम्मद हाशिम व आफ्ताब उर्फ गुड्डू पुत्र मोहम्मद हाशिम शामिल हैं। वहीं अन्य घायलों का लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है।